मध्य प्रदेश की मल्हारगढ़ विधानसभा 2025 से कांग्रेस पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया का आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर आमजन से रूबरू होकर कांग्रेस पार्टी को इस बार विजयी बनाने की अपील कर आशीर्वाद मांगा गया। परशुराम सिसोदिया के जनसंपर्क में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित स्थानीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और घर पत्रक वितरण कर इस बार कमलनाथ की सरकार बनाने के साथ मल्हारगढ़ विधानसभा से परशुराम को जिताने की बात कही। संपर्क के दौरान गांव-गांव में आतिशबाजी कर पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं युवाओं में भी उत्साह दिखा। अब देखना है कि जिस तरह से मल्हारगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया के जनसंपर्क में बढ़ चढ़कर पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहित आमजन में उत्साह देखा जा रहा है, यही उत्साह मतदान के दिन मतदाता किसे अपना विधायक चुनकर विजयी बनाती है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहनलाल गुप्ता, कांग्रेस नेता गणपत पवार, जनपद सदस्य श्यामलाल मालवीय, अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष कन्हैयालाल पाटीदार, मंडलम अध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर, दिनेश गुप्ता, प्रताप सिंह शिक्तावत, परमानंद पाटीदार, बलवंत पवार, मांगीलाल पाटीदार सुपड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी और कांग्रेस जन मौजूद रहे। जी का दौरा वैसे तो मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पूरी विधानसभा में चल रहा है, पर आज सुबह से बोतलगंज से चालू हुआ है। बोतलगंज से सोखड़ी, सोखड़ी से खेड़ाखदान, खेड़ाखदान से भई पार्श्वनाथ, गोगरपुरा, गोगरपुरा होते हुए डुंगलावदा पहुँचा है और डुंगलावदा में भी युवा साथियों के द्वारा भव्य आतिशबाजी कर ढोल ढमाकों के साथ परशुराम जी का स्वागत किया गया और सभी युवा साथियों ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में और मल्हारगढ़ विधानसभा में परशुराम जी को विधायक बनाना है, वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनानी है ताकि वो किसानों की जो जनहितैषी योजनाएं है वो सब लागू हो सके और सभी वर्गों के लोगों को फायदा मिले। जनसंपर्क दौरान माताएं, बहनें और युवा सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम मल्हारगढ़ पर विजय हासिल करेंगे। विनोद पटेल, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मल्हारगढ़। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।